गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज उठ चुके हैं और हम ऑब्वियसली उठ चुके हैं तभी व्लॉग कर रहे हैं। ऐसी लग रही है आवाज इतनी मोटी हो गई है उठ के। अभी अभी हम सो के उठे हैं ना इसलिए ऐसा। और अभी हम जा रहे हैं एक्वा, ये एक्वा वेंचर। कभी मैं वहाँ के नहीं गई, क्या कहते हैं वो दिल्ली के इंडिया के वाटर पार्क नहीं गई और मैं यहाँ के जा रही हूँ। हाँ मैं तो गई हूँ बहुत बार। बहुत बड़ी फट्टू है गाइस, बहुत ज्यादा। तू तो मत ही बोल, तू भी कर। मुझे हाइट से डर लगता है बट मैं ऐसे एडवेंचर चीजें कर लेती हूँ। हाँ बट मैं ऐसी चीजें एंजॉय कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे बेसिकली हाइट से नहीं फ्लाइट से डर लगता है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे आके कपड़े नहीं लेके आए थे तो मैं सब जुगाड़ कर करके पहन रही हूँ। मधु का पहना मैंने ये, और ये टॉप कल हमने मैक्स लिया था, फिर मैंने फाइनली हम दोनों ने चेंज कर लिया। अब हम अंदर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ना अजीब सा लग रहा है इधर। आज हम थोड़ा लेट, हम नहीं मतलब मैं थोड़ा लेट उठी। ये अपना उठ के जो इसको यहाँ पे काम था सारा करके आई है। और आज हम ब्रेकफास्ट अपने रूम पे ही कर रहे हैं बिकॉज नीचे का तो 10:30 तक होता है। तो हमने रूम पे ही ऑर्डर किया है, और हमने ऑर्डर किया है सैंडविच ऑमलेट बर्गर एंड ये फ्राइज हमें फ्री में मिले हैं। ऑरेंज जूस एंड वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन मैंने करा है, ऑरेंज अपने लिए। केचप है, इतने सारे क्या घर ले लिए। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैं लेट उठी थी आज। ओके मैं आपको बताना भूल रही थी कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मेरे प्रॉपर आउटफिट है और आज हम आए हैं फ्यूचर म्यूजियम। ये रहा सब, आपको दिख जाए। अभी आपको मुझे भी नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं है, फर्स्ट टाइम आई हूँ। लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं क्या कैसे क्या। मैं रेडी हो गई हूँ बिकॉज आज हमें निकलना है अबू धाबी के लिए। और आज भी हम लेट उठे बिकॉज कल भी बहुत थक गए थे। कल इधर जाना था, मधु के काम से भी कुछ जाना था, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक था कल का डे भी। इधर गए उधर गए, थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लिया। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं प्रॉपर रेडी हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया, आ रहा है। मधु अभी वो कर रही है, ब्रश कर दिया। और हमने पूरा कमरा रूम इतना गंदा कर दिया था, इतना ज्यादा गंदा, ये पूरा एरिया गंदा था। अभी क्लीन किया, इसमें हमने चिप्स लेके आए थे और थोड़ा बहुत पोलो वोलो, तो वो मधु ने बैग में रख लिए। और हमने बैग पैक कर लिए प्रॉपर, दोनों बैग पैक हो गए हैं। सब मधु ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तैयार हो रही थी। हाय एवरीवन, सो हम अबू
धाबी आ गए हैं। आबू धाबी हम दिन में ही आ गए थे, बट मधु के काम से कहीं जाना था तो हम वहाँ गए और वो आके अभी सो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई थी इस वजह से, और मैंने फिर व्लॉग भी नहीं कर पाई। मैं भी उसके साथ गई थी, थोड़ा बिजी हो गए थे हम किसी काम से। और गाइस हम लोग उठे और रेडी हुए बहुत जल्दी जल्दी, सब कुछ हुआ जैसे रोज होता है, और yes. हम जा रहे हैं फ्राइवल। अभी मैंने सुना है बहुत मज़ा आएगा, लेट्स गो कैसा होता है। फाइनली आज हमें इंडियन खाना मिलेगा खाने के लिए। पागल हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, हमारे एज का कोई नहीं लग रहा। गाइस यहाँ पे कपड़ों में थोड़ा सा हुआ है रिस्ट्रिक्शंस, आप शॉर्ट टॉप टाइट नहीं पहन जा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे आके वॉर्नर्स ब्रदर्स की टी शर्ट ले ली। और अभी हम जा रहे हैं फास्ट, पीछे में लोग हैं, अभी हम आए फास्ट इंटरव्यू हो रही है, उसके बाद टॉम एंड जेरी जाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि हम सीरियसली हम कार्टून के वर्ल्ड में आ गए हैं, है ना अमृता? ऐसा नहीं लग रहा कि हम कार्टून के वर्ल्ड में आ गए हैं? ड्रेस बना देने चाहिए और हम वैसी लग रहे हैं। इतना अच्छा लगा, मजा। राइड करी, इतनी खतरनाक राइड। मेरे को मधु ने बोला अमृता आंख बंद कर ले, मैंने ऐसे आंख बंद, मुझे पता ही नहीं चला मेरी राइड कब खत्म हो गई, क्योंकि मुझे पता है इसको डर लगेगा, लेकिन वो तो फास्ट एंड फ्यूरियस था, सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, सबसे बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, उसके बावजूद बस चिल्ला रही थी अमृता, चिल्ला, सॉरी बस की याद आ रही है, अमृता चिल्ला रही थी, इतना मजा आया।